प्रणाम दर्शक बंधु, कार्यक्रम आउ एक अध्याय को आपन को पुणि थर स्वागत। आज कार्यक्रम आम से महाभारत विषय वर्णना करवा। महाभारत सहित मो राज्य जगन्नाथर राज्य ओडिशा सहित कौन संपर्क थिला से भाव में किसी विशेष आलोचना करवा। आप समस्त जानी जे यही महाभारत जहाँ महाभारत बोली कहचु आम संस्कृत एक प्राचीन ग्रंथ महाभारत। ये महाभारत शेष भाग में कलिजुग प्रवेश होता राजा परीक्षित समय तेनाली महाभारत सहित कलिजुग और द्वापर युग ए दुईट युग संपर्क रही। महाभारत पांडव और कौरव मान पशा खेल अनुषित होता एवं यही पशा खेल महाकपुटी मामा शकुनी कपट बल पांडव मैंने परास्त होते फलस्वरूप से मानक 12 वर्ष वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास जवाक पड़ता। यही वनवास समय से माने भारत तथा ओडिशार विभिन्न स्थान भ्रमण करते वनवासी जीवन कटाई तन्मधर आम केन्द्रापड़ा अंचल पंची पांडव थारे पांडव मैंने वनवास समय बेस किस समय काटी सेठा को गले देखा मिले जो सेठे द्रोण मंदिर अच्छी विदुर मंदिर अच्छी। ठीक से ही महाभारत अज्ञातवास किसी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण समय से माने मयूरभंज तथा बालेश्वर मध्यवर्त अंचल कटाई थे। इतिहास कहे जे अज्ञातवास समय रे विराट देशर सेनापति कीचक रानी द्रौपदी को असदाचरण करते थे। द्रौपदी उत्क्षिप्त हो भीमसेन पाखे गुहारी करते कीचक को बध करने दावी करते। भीमसेन बारण करते जे अज्ञातवास सफल होगापी से परिचय गुप्त रहा आवश्यक किंतु द्रौपदी अड़ बसवर भीमसेन द्रौपदी को कीचक को एक गुप्त स्थान को डेकवाई कही जोठारे भीम कीचक कीचकों मध्य गोलजुद्ध होता परिशेष कीचक भीमसेन द्वारा निहत होते। ये से ही गुप्त स्थान एठार भीम कीचक को बध कर सारापर स्थानीय पोड़ाढ़िया अंचल पोड़ीदेवर वर्णना महाभारत रही। परवर्त समय भीम कीचक को पोड़ सारापर बध कर सारापर भीमकुंड एक अंचल स्थान कर सारापर निज राज्य को फेरी थे। तेना महाभारत एवं ओडिशा एवं भारत पृष्ठभूमि सहित ओडिशार इतिहास ओतप्रोत भाव जड़ित एक कहले अत्युक्ति हेबना एवं जदि आपण मैंने मयूरभंज परिदर्शन करेंगे तेज से कीचकेश्वर मंदिर भीमकुंड एवं महाबली भीमंकर प्रस्तर पर दुटी पादचिह्न देखा पाइबे जहाँ इतिहास साक्षर बहन कै तेणु ओडिशा संस्कृति सहित महाभारत संपर्क कहीं पुराणा कालर आप पूर्ववत अध्याय कही सारी भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला से शिवाली लटामूल विश्राम नहीं थे जरासह जो पदक विद्ध कर भगवान जिते स्वदेह समाधि नहीं थे अपड़ा भूमि थे भगवान भगवान को पंच पांडव मैंने पोड़े से नाभि ब्रह्मटी नीलमाधव रूप से पूजा पाई सबराज विश्वावसु द्वारा। यही सबराज विश्वावसु ओडिशार आदिवासी कुल जन्म नहीं बोली इतिहास कहीं के पुराणा काल वर्णना कर तेणु महाभारत सहित मो ओडिशा संपर्क अत्यंत निविड़ भाव जड़ित। दर्शक बंधु आज यह अध्याय आपन किभली लगला आपन निश्चय भाव कमेंट मध्यम जनवे। आजपाई कार्यक्रम विदाय ना परवर्त अध्याय यह पुणी केत तथ्य को नहीं आपण मान सहित यही भाव आलोचना जारी रहा। सेत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।